अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपके साथ पासपोर्ट ऑफिस 24 मार्च 2019 को जो पेपर हुआ था वो कंप्लीट सॉल्व पेपर इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो लोग न्यू है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के इम्पोर्टेंट पेपर्स आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। पेपर को स्टार्ट करते हैं। कस्टमर वन, व्हेन वजू वाज ऑर्डर्ड, वजू का ऑर्डर कब हुआ? इसका करेक्ट आंसर है 5th हिजरी को। कस्टमर टू है, कराकोरम हाईवे इज बिल्ड विद द हेल्प ऑफ, कराकोरम हाईवे जो है किस मुल्क की मदद से बनाई गई है? इसका करेक्ट आंसर है चाइना से। कस्टमर थ्री है, इन द बिगनिंग प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्क एट द शेफर्ड फॉर डैश, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू में किस कबीले के लिए काम करते थे? इसका करेक्ट आंसर है बनू साद। कस्टमर फोर है, डिफेंस डे इज सेलिब्रेटेड इन पाकिस्तान और, पाकिस्तान में डिफेंस डे किस डेट को मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 6 सितंबर को मनाया जाता है। कस्टमर फाइव है, व्हेन द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन ऑर्डर हिज फर्स्ट ईद प्रेयर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली ईद की नमाज कब पढ़ी? इसका करेक्ट आंसर है 2nd हिजरी में। सिक्स क्वेश्चन है, सी एस एस स्टैंड फॉर, इसका करेक्ट आंसर है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये आप लोगों ने रखना है। इसके अलावा जो सी एस एस है, सिविल सुपीरियर सर्विसेज, वो भी बनता है, लेकिन आप लोगों ने ऑप्शन पे गौर करना है। अगर ये भी ऑप्शन हो तो ये भी करेक्ट है। कस्टमर सेवन है, द बुक अल कानून फितिब रिटन बाय, अल कानून फितिब जो है ये किताब किसने लिखी है? इसका करेक्ट आंसर है अबू अली सीना ने। कस्टमर एट है, द परमिशन फॉर तयम्मुम वाज ग्रांटेड इन, तयम्मुम की परमिशन कब मिली? इसका करेक्ट आंसर है 4th हिजरी को। नाइन क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया की करेंसी क्या है? इसका करेक्ट आंसर है नॉर्थ कोरियन वॉन। कस्टमर टेन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अजरबैजान, अजरबैजान की कैपिटल का क्या नाम है? इसका करेक्ट आंसर है बाकू। कस्टमर 11 है, हाउ मेनी सूरत आर नेम विद एनिमल नेम्स, कुरान पाक में कितनी सूरतों की तादाद है जो एनिमल्स के नेम पे उनका नाम है? इसका करेक्ट आंसर है 6 सूरतें हैं। कस्टमर 12 है, विच वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर्ड इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, 1956 के एन के मुताबिक पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? इसका करेक्ट आंसर है बंगाली एंड उर्दू, यानी कि ये बहुत जबानें थी। कस्टमर 13 है, विच सूरह ऑफ द होली कुरान हैज बिस्मिल्लाह ट्वाइस, कुरान पाक में किस सूरत में 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आया? इसका करेक्ट आंसर है सूरह नमल में। कस्टमर 14 है, व्हेन कायद आजम डाइड, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की वफात कब हुई? इसका करेक्ट आंसर है 11 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्टमर 15, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ प्रॉफिट, किस मुल्क की सरजमीन को पैगंबरों की सरजमीन कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है पैलेस्टाइन, यानी कि फलस्तीन। कस्टमर 16 है, हाउ मेनी मॉस्क आर नेम इन कुरान, कुरान पाक में कितनी मस्जिदों का नाम है? इसका करेक्ट आंसर है 5। कस्टमर 17 है, हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया फ्रॉम 1899 टू 1905, 1899 से 1905 तक इंडिया के वायसराय कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड कर्जन। कस्टमर 18 है, वेयर वुड यू फाइंड द रिवर थेम्स, जो दरिया थेम्स जो है ये कहाँ पे मौजूद है? इसका करेक्ट आंसर है लंदन में। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये चैनल आपको तमाम जो पेपर्स हैं, जो भी आपको ज़रूरत है, वो कमेंट में आप बताया करें ताकि आप तक बर्वक पहुँचते रहें और अपलोड भी कर दिए जाते हैं। कस्टमर 19 है, स्विस कैनाल इज लोकेटेड इन, स्विस कैनाल कहाँ पर मौजूद है? इसका करेक्ट आंसर है इजिप्ट में। कस्टमर 20 है, Who was ambassador of Hindu Muslim Unity? हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर का क्या नाम था? इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना।
कस्मत 21 नेम द मॉस्क विच वॉज फेमस फॉर द चेंज ऑफ किबला, जब किबला तब्दील हुआ तो कौन सी मस्जिद सबसे मशहूर है? इसका करेक्ट आंसर है मस्जिद किबला तैन। कस्मत 22 है हाउ मैनी मदनी सूरा आर देयर, मदनी सूरतों की तादाद कितनी है कुरान पाक में? तो इसका करेक्ट आंसर है 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी हेड्स ऑफ ज़कात, ज़कात के मुसारिफ जिनको हेड ऑफ ज़कात कहा जाता है उनकी तादाद कितनी है? इसका करेक्ट आंसर है 8। कस्मत 24 है शाह वलीउल्लाह वाज बर्न इन, शाह वलीउल्लाह की पैदाइश किस सन में हुई? इसका करेक्ट आंसर है 1703 में। 25 क्वेश्चन है द फादर नेम ऑफ द लास्ट होली प्रॉफिट इज, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद का नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर है हजरत अब्दुल्ला। कस्मत 26 है दलासी इज द करेंसी ऑफ, दलासी जो है ये किस मुल्क की करेंसी का नाम है और काफ़ी बार ये रिपीट हो चुका है? तो इसका करेक्ट आंसर है गैम्बिया, यानी कि गैम्बिया की करेंसी का नाम है। 27 है लाखड़ा कोयल फील्ड इज लोकेटेड इन, लाखड़ा कोयल फील्ड जो है ये किस जगह पे मौजूद है पाकिस्तान में? तो इसका करेक्ट आंसर है नॉर्थ ऑफ हैदराबाद, यानी कि हैदराबाद की नॉर्थ में। 28 वेयर द फेमस नेचुरल ब्रिज इज लोकेटेड, काफ़ी मशहूर ब्रिज है जिसको नेचुरल एक ब्रिज बना हुआ है उसका क्या नाम है? इसका करेक्ट आंसर है वर्जीनिया यूएसए में मौजूद है। 29 है हाउ मेनी सीट्स वर वॉन बाय मुस्लिम लीग इन 1945 एंड 46 प्रोविंशियल इलेक्शन, 1945 और 44 के जो सूबाई इलेक्शन हुए थे उनमें मुस्लिम लीग ने कितने सीटें जीती थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 428। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंडेड उर्दू डिफेंस एसोसिएशन, उर्दू डिफेंस एसोसिएशन किसने स्टार्ट की? तो इसका करेक्ट आंसर है मोहसिनुल मुल्क ने। इसके अलावा ये जो पासपोर्ट ऑफिस के पेपर्स हैं यूडीसी एलडीसी असिस्टेंट जो भी अगर आप लोगों को ज़रूरत हो या किसी और ईटा हो गया या एसटीएस हो गया एसपीएससी पीपीएससी एफपीएससी कोई भी चाहिए तो आप लोग सिंपली कमेंट में लिखा करें डिपार्टमेंट का नाम और किस पोस्ट के लिए चाहिए ताकि जितनी ज़्यादा तादाद और जितने ज़्यादा एक पेपर कहेंगे तो वो सबसे पहले हम रिपीट करेंगे और वो पेपर अपलोड इंशाल्लाह करेंगे। और ये तमाम जो पेपर्स होते हैं जो ओरिजिनल एमसीक्यूज जो भी अवेलेबल होती है ताकि आप लोगों तक जितना भी नॉलेज हो एक्सपीरियंस हो प्रीवियस पेपर्स का वो पहुंचता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उन तक भी कोई भी पेपर ज़रूरत हो तो हम आप तक प्रोवाइड करेंगे। और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इसकी वेबसाइट भी स्टार्ट करने वाले हैं ताकि आप लोगों को और इजी हो पेपर मिलने तक या देखने के लिए। नेक्स्ट पेपर में मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।